नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप जीत के झंडा गाड़ेंगे। बधाई हो, हार में भी आपकी जीत होगी। इससे अच्छा मौका आखिर क्या हो सकता है। जल्दी देखो, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वह आप सभी की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम यह चीज कटु सत्य वचन अपने हृदय से कह रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सभी सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर है कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे में माता रानी आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल पर जो होने वाला है सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई मामूली घटना नहीं होगा। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। क्या वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हमने इस वीडियो में आपके जीवन की सारी बातें बताई हैं जो आपको जाना बेहद ही आवश्यक है, और आप इन्हें जानकर कहेंगे कि हमें यह बातें पहले ही जान लेना चाहिए था। इससे आप सभी का पूरा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। बस हमारा इतना निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले। ऐसा समय बार बार नहीं आती है। जीत हो या हार हो, सब में आपकी जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि यह भगवान की मर्जी है। बस आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे हर जगह लहराएंगे, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते पाए जाते हैं कि ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, अपना भविष्य अपना भूत सब कुछ हम ही तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, कष्ट कम ही नहीं होते, ऐसे ही लोग फिर मन मंदिर में भगवान की शरण में विनती करते पाए जाते हैं, साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के दरवाजों पर चक्कर काटते भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं। इस संघर्ष से पार का पाना तो अक्लमंद बुद्धिमानी इसी में है दोस्तों, कि आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की उलझन को पूर्ण रूप से समझ लें और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कार्यों को जोड़ते जाएं, कुछ को हटाते जाएं, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दें कि आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। ये दोस्तों यदि आपकी राशि के लोग आधार में होंगे, यानी आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा। चलो मान लिया भगवान में विश्वास है, लेकिन आप नियमित पूजा पाठ नहीं करती हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी ऊर्जा ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशि के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपनी जीवन की ऊर्जा को सुधारना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी, बरकत आएगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रही हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियां धोकर तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये दोस्तों हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है, आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उम्मीद है
दोस्तों की आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूलें। दोस्तों दुर्गा एकमात्र शक्ति है, बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान है। तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मातृ शक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय मां दुर्गे लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्त एक खास बात, हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं, बहुत छानबीन करना पड़ता है और कई दिनों के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इतना ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। जी हाँ दोस्तों, तो लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं, जैसे बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। दोस्तों तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी। आपसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। यह दोस्तों पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी बताएं, कार्यों को करते जाइए। जी हां दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं, आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल आपकी अच्छी नीयत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्त हम आपको बता दें कि तीन ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। इन तीन ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह तीन ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें। इनसे इन तीन ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, ब्याह के ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगे कि धीरे धीरे आपका जीवन नहीं लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे, बाद में गृह समाधान के बारे में बात करेंगे। आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता अध्यात्म से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृदोष भी उत्पन्न होता है जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सात ऐसे कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती है जिसकी वजह से आपके पास धन कभी ठहरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है। छाया पैसा कमाया, पैसा कमा, तो ध्यान से सुनिए एक कौन सी है वह कारण हो तो। दोस्तों सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हां दोस्तों, अब यह आपको कैसे प्रभावित करती हैं आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए।
कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है, यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला था और इस तरह मिला, यानी कि आपकी भावना, यानी कि जब इंसान आपके सामने आता है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो लेकिन अपने आंसू बहता है, तो आपके घर जाते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है, जब आपको खुद को जरूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, जीतू बार मांगा या थोड़ी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाए, इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया, इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है, चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, तो आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है, यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझकर करें, और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आपको बदले में बुराई ही मिलेगी, यह आपकी राशि की एक बहुत बड़ी कमी है। जी हां दोस्तों, आप ना चाहे तो ऐसा करके देख ले, हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिए और बाद में देखना आपका जो रिश्ता था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराइयां भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कमी की, तो दूसरी कमी होती है दोस्तों आपके घर का वास्तु दोष। तो आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है, हम गारंटी देते हैं। अब सुनिए कैसे आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, जूते चप्पल वगैरह, डस्टबिन वगैरह, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी कचरा इकट्ठा होता है, इस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन की कमी का कारक होता है। अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं, यह भी साफ सुथरा नहीं है, भारी सामान रखा रहता है, हवा का सही आवागमन नहीं होता है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है। जी का दोस्तों तीसरा स्थान है आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का केंद्र, घर के बीचों बीच या तो आंगन है ही नहीं, और आंगन है तो वह बंद है, यानी कि ऊपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और आंगन में भी जूते चप्पल बगैर पड़े रहते हैं। जी हां दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान आप नाम से ही समझ गए, वह ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है घर का, उसे साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहां तुलसी का एक पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें, और वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है, आपको 3-4 काम है जो करने हैं जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की, इंडिया ने पूर्व दिशा है और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करनी है और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, और हो सके तो हरी भरी पौधे इस दिशा में रख दिया, निगम ले बगैर इस दिशा में रख दे, कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दे। जी हां दोस्तों, दूसरा आपको यह करना है कि करके ब्रह्म स्थान की यानी कि घर के बीच आंगन की साफ सफाई रखें, जूते चप्पल वगैरह यहां कभी भी ना डाले हो, साफ सुथरा हो, यही स्थान, और हो सके तो तुलसी का एक पौधा आंगन के बीचों बीच अवश्य लगाएं। जी हां दोस्तों, अब आपके घर में जहां आप रुपए पैसे लगते हैं वह अलमारी अलमारी को आप रखें, नैतिक और में यानी कि आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के बीचों बीच, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच जो कोण बनता है वहां पर आप अपने घर की अलमारी रखें और उस अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हो। जी हां दोस्तों, की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहां से धन का आगमन होगा और नैतिक और जो है वह माता लक्ष्मी का कोण या माता लक्ष्मी की दशा मानी जाती है। वहां पर आपकी यदि तिजोरी है, आपके धन का लॉकर है, उत्तर दिशा से जो सकारात्मक ऊर्जा धन को लेकर आएगी वह आपके घर में कैद हो जाएगी, ठहर जाएगी, फिर आपके घर में पैसा खूब आएगा, ढेर सारा आएगा, और जो भी पैसा आएगा वही तरीका भी फिजूल खर्चों में नहीं जाएगा। या दोस्तों, तो ये 3-4 काम आपको करनी है, और एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जाने कि उत्तर पश्चिम कोर पर एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं। धन का कटोरा के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं,
यदि आपको इस विषय पर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरी को सिक्कों से भर देना है। दोस्तों, पूरा कटोरा से कौन से भर देना है? सिक्के खोटे नहीं होने चाहिए, चलने वाले सिक्के होने चाहिए। और उस कटोरे को आप पानी से ऊपर तक भर दें जिसमें सिक्के डूब जाएं। जल जो है वह धन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सिक्कों को जल में डूबा कर रखा है और इस कटोरे को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, यह जन की दिशा होती है। यहां पर आप इस कटोरी को रखेंगे, आपके घर में बरकत आने लगेगी, रुपए पैसे आएंगे, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इन उपायों को करके देखिए, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, आपके घर से, आपके जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसे कारण की बात करते हैं तो पितरों की बात करते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्य करता रहता है, हावी रहता है, कि वजह से धन की कमी आपको बनी रहती है। पितृदोष यदि होगा, धन की कमी निश्चित होगी, या दोस्तों पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है। दूसरा के धन आएगा तो रुकेगा नहीं। तो दोस्त, अब पितृदोष उत्पन्न क्यों हो रहा है यह जानना आवश्यक है। तो आप समझिए कि गाय, कुत्ता, कौवा, आप याद करके बताइए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था, इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा, और यदि आदमी होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। दोस्तों, आप रोज कुत्ते को और गाय को भोजन कराइए। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। जी हां दोस्तों, और बचे हुए आटे को, यानी कि मारे हुए बचे हुए आटे को कभी भी संभाल कर ना रखें, फ्रिज में ना रखें कि अगली बार फिर से बनाकर रोटियां दे देंगे। दोस्तों, जो आटा मार कर रख दिया जाता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जाती हैं, वह आटा पिंड का रूप ले लेता है, फिर उस आटे को भूतों का मुख लगता है, यानी भूत प्रेतों का वह भोजन हो जाता है। ऐसे आठ से फिर दोबारा कर रोटियां बनाकर खिला दी जाए तो 100% पितृदोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ एंकर नकारात्मक ऊर्जा अभी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हां दोस्तों, अब आपको यह कार्य करना है, अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करें कि दो रोटियां रोज बनाएं, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की आपको ध्यान देना है। दोस्तों के साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि अपने घर की तस्वीर दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जला सकते हैं, एक दीपक अवश्य जलाएं, और इस दीपक का मुख्य जो होगा या नहीं इसकी बात ही तो होगी, वह उत्तर दिशा की ओर। जी हां दोस्तों, दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होता है। यदि आपने यह भूल कर दी तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपका पैसा केवल बीमारियों में खर्च होगा। तो दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, लेकिन दीपक आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है, और बाती का मुख्य आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा में रखें तो सर्वोत्तम होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके मित्र खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके जीवन में बरकत आएगी। यह दोस्तों यदि आपको दीपक से जुड़ा हुआ, क्योंकि दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है या पद्धति है जिसके बिना पूजा हमेशा अधूरी रहती है। यदि आपको दीपक के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी पूजा का फल ले जाएगा कोई और दोस्त, नकारात्मक शक्तियां आपकी पूजा का पूरा फल ले जाएंगे, और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत पूजा की फिर भी हमें दुख प्राप्त हुए, कष्ट प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों यदि आपको दीपक के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि दीपक के ऊपर वीडियो बनाई है, हम आपको एक ऐसा विस्तृत वीडियो बनाकर देंगे जैसी जानकारी आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई होगी। दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे, आप कमेंट करके अवश्य बताना। जिया दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। आपकी चौथी गलती यह है कि कभी कभी आप दिखाबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। आप जानते हैं कि कहां दिखावे बाजी है और कहां जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसे दिमागी स्थिति में फंस जाते हैं कि आप दिखा भी बाजी की ओर झुक जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि दिखावे बाजी के चक्कर में आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, यानी आपका पैसा चला जाता है, ज्यादा मात्रा में चला जाता है, और आप बाद में तो इस निर्णय पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, मिलकर जी के चक्कर में पैसा चला गया, दिखा भी बाजी में चला गया, पैसा लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। पैसा तो आपका चला ही जाता है, तो आप सतर्क रहना है। जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें तो
तो आपको यह एक बार जरूर विचार करना है कि यह आपके लिए जरूरी है या नहीं है, कितना जरूरी है, क्या इसके बिना काम चल सकता है। दोस्तों, आपको इस तरह विचार करके ही चीजें खरीदनी होगी, पैसा खर्च करना होगा, वरना होगा। ये कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई बार आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे, ना के बराबर उपयोग करेंगे, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्च की वजह से, दिखा भी बाजी की वजह से, या दोस्तों क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा फंसा देंगे। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता अवश्य है। अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी बात सत्य है या नहीं। अब पांच भी कमी के बारे में बात करते हैं, और यह कमी आध्यात्मिक है। धार्मिक दोस्तों, वैसे तो आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, अब भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। आप किसी भी धार्मिक पद्धति को नियम से पूरा नहीं करते हैं, यानी कि जैसे आप मंदिर जाएंगे जाएंगे। अवश्य ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाने से परहेज है, जाएंगे, लेकिन आप नियमित नहीं जाएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन नियमित नहीं पढ़ेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किए जाएं, तभी उनका फल प्राप्त होता है। यह दोस्त कभी कभार की गई पूजा का कोई महत्व नहीं होता है, यह नियम से की जाने वाली पद्धति है। अब ऐसा क्यों दोस्तों, जब आप पूजा पाठ को नियमित तौर पर करते हैं तो असल में आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और ईश्वर है, ईश्वर ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। अब आपको और समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी तो आपने क्या देखा? आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति, यह दोस्त यानी वे हनुमान जी नहीं है, उनका प्रतीक है, उनका चिन्ह है, उनकी मूर्ति है। तो आप उस मूर्ति के माध्यम से हनुमान जी की, जो कि शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, हनुमान जी कोई इंसान थोड़ी है, हनुमान जी कोई जीव थोड़ी यहां वहां भटक रहे, हनुमान जी तो ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और हर जगह विद्यमान है, हर इंसान के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान है। तो आप समझ ले कि आप उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सब में विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से पूजा कर रहे हैं। तो अब आपकी पूजा करने से होगा क्या? आपकी पूजा करने से वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी? जी हां दोस्तों, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अब यह एक दो बार की पूजा करने से नहीं होगा, आपको लगातार पूजा करनी होगी, नियम से पूजा करनी होगी, रोज पूजा करनी होगी। जब आप एक ही पूजा पद्धति को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं, तो फिर एक दिन हुए समय आ जाता है जब भगवान की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया या भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और जीवन में उतार हो गया, भांत बदल गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हम सुनते हैं, कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सामने वाले इंसान ने लंबे समय तक किसी एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाया। तो अब आपको क्या करना है? जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, सब भगवान एक ही है दोस्तों, कोई अलग अलग नहीं है। तो जिसमें भी आपकी आस्था है, शिव जी में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है, कृष्ण भगवान में आस्था है, विष्णु जी में आस्था है, या माता में आस्था है, तो आप उनकी एक विशेष पूजा पद्धति उठाइए। संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। होते हैं और आपकी पैसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है ना दोस्तों, शेयर मार्केट में लगाया है, ये किसी जुड़े वाली स्कीम में पैसा लगाया है जहां जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन पैसे वाले आप नहीं बनेगा, आपका पैसा फंस गया, चला गया। यही हाल आपका व्यापार में भी है। कभी कभी आपको व्यापार में फायदा ही फायदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, बाद में फायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है, फिर आपको कोई कितना ही समझाए, आपको बात समझ में नहीं आती है। आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा लिया, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं, और इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका पैसा फंस गया है, आप परेशानियों में आ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी इन आदतों पर कार्य करिए, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे दोस्तों, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये दोस्ती यकीन मानिए, आप हमारी जीवन की जो भी अनुभव है,
हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था। आज यह समय है कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है। लेकिन जीवन में बदलाव किए बिना, आदतों में सुधार किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों करना तो आपको ही पड़ेगा, हमारा काम तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें आपको बताना है कि कौन से हैं वह तीन ग्रह जो आपको पीड़ित करते रहते हैं समय समय पर और आपके धन की आवक को रोकते हैं, ये दोस्तों आपकी बरकत को रोकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वह तीन ग्रह। सबसे पहला ग्रह है शनि, शनि का कार्य होते हैं। पहला, आपके धन की आवक को रोकना। दूसरा, आपके घर में कष्ट परेशानियां बीमारियां देना। दोस्तों अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप यदि जरा भी लालच करेंगे, जरा भी परेशानी किसी दूसरे इंसान को देंगे, चाहे अनजाने में ही दें, शनिदेव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे, आपके भाग्य में लिख देंगे। और शनिदेव हालांकि आपके लिए लेडीज करने वाली ग्रह नहीं है, आपको पीला नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां, आपके खुद के की जाने वाले गलत कर्म ही आपको पिला देंगे। और यह न्याय शनिदेव के हाथ में है, तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मानव होने के नाते गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हर इंसान करता है, आप भी करेंगे तो कब तक जीवन भर गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे? कभी सुख आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार तो शनिदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फिरते रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है? तो अब एक ही समाधान है कि आप शनिदेव की शरण में चाहिए। आपको करना यह है कि आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि शनिदेव के मंदिर में आपको जाना है, लेकिन जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति लगी हो उस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अब ऐसा क्यों? किसी शनिदेव की छूत दृष्टि है, वह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, उससे बचना चाहिए। या दोस्तों अब दृष्टि है या सुदृष्टि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई और आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात के बहुत ज्यादा मौके हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ही आएंगे। तो अब आपको कहां जाना है? ऐसी मंदिर जाना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप स्थापित किया गया हो। अब यदि ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है नहीं, तो आपको फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और शनिदेव की ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। आपको कम से कम 21 शनिवार यह कार्य करना है दोस्तों। यह दोस्त 21 शनिवार आप यह कार्य करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। यह दोस्तों में और हो सके तो आप अपने घर के पूजा स्थल मैं भी शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया करिए। हमारी बात मानी है दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप शनिदेव के नाम का एक दीपक चलाइए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक आपको शाम के समय जलाना है, यानी कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप मंदिर भी यदि जाएंगे तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में, जैसे छायाकार कहते हैं और शनि देओल स्वयं छाया पुत्र हैं, तो आप यदि इस समय जाएंगे तभी शनिदेव आपकी सुनवाई कर पाएंगे दोस्तों। तथा शनि का अब आपको बताएं दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। आपको शुक्र को मजबूत रखना होगा दोस्तों, अन्यथा हर एक मेहनत बेकार हो जाएगी। शुक्र का रखें आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, वर्कर, धन की आवक और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके मान सम्मान और सामाजिक वर्चस्व का दुष्चक्र का आपको समाधान यह करना है कि आपको अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक सफेद रुमाल अवश्य रखकर निकले। शुक्रवार के दिन आप बहते हुए जल में सफेद खाने की वस्तु प्रवाहित कर सकते हैं, बतासे वगैरह, रिवरिया वगैरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की कोई वस्तु दान करें, चावल की बनी खीर खिलाई, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ग्रह की और वह ग्रह है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल वैसे तो आपको सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहने से आप मंगल के उपाय भी अवश्य करिए, क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जिला दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां आपको पहले तो बहुत फायदा दिखाई देता है, लेकिन बाद में वहां कोई फायदा नहीं होता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है, आपका पैसा फंस जाता है, आप भले बुरे का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है मंगल की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके अंदर बुद्धि की कमियां, बहुत बुद्धिमान हैं आप, बहुत ऊर्जावान हैं, तर्क शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन मंगल की नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है
और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। दूसरी की एक दिखावेबाजी की आदत, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी कभी आपके अंदर दिखावेबाजी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भी आपका पैसा फंस जाता है। यह भी मंगल की वजह से ही होता है। कल तो आप हमारे कहने से मंदिर से जुड़े उपाय अवश्य करिए, तो मंगल को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन अवश्य करिए। हनुमान जी के मंदिर चाहिए, मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर व्रत करें। ऐसे ही नहीं, चलो कल मंगलवार है और कल से व्रत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप बाकायदे मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए, हे प्रभु हमारी यही मनोकामना है, आप हमारा साथ दीजिए और हम आने वाले 11 मंगलवार 21 मंगलवार तक का व्रत रहने का संकल्प लेते हैं। फिर आप देखिए हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं, मंगल की संपूर्ण पीड़ा है समाप्त हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करिए। यह दोस्तों के साथ ही साथ जब आप सोने जाएगा अपने बिस्तर के सिरहाने जल का एक पात्र अवश्य रखिए। जी हां दोस्तों, ढककर रखना, उस पात्र को खुला नहीं रखना है। जल का कोई भी पात्र खुला नहीं रखा जाता। दोस्तों आप यकीन मानिए, यदि आप भी ऐसे पात्र में से पानी पी लेते हैं जो कि खुला हुआ रखा था, तो आपने समझो कि भूतों का भोजन ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार पिंड भूतों का भोजन है, उसी प्रकार खुला पात्र हम पात्र की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब कोई कहने लगे कि नदियां भी खुली हैं, वह भी खुले हैं। दोस्तों उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जल स्रोत है, जल के पात्र नहीं है। हम पात्र की बात कर रहे हैं, जैसे आपके यहां जग है। कैलाश से अगर आपने खुले हुए पात्र से जल ग्रहण कर लिया तो आप ऊपर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर हावी हो जाएगी। जल के अंदर ऊर्जा को ग्रहण करने की एक अदम्य शक्ति होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएंगे तो आपको जल का एक पात्र अपने सिरहाने रखकर सोना है, ढककर रखना है। उस पात्र को सुबह जब आप सोकर जागे तो अपने दरवाजे का सिंचन कर दें, उसे जल्द से, जी हां दोस्तों, यानी उस जल को छिड़क दें। अपने दरवाजे पर आप देखेंगे कि मंगल की संपूर्ण जो नकारात्मक ऊर्जा है आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। आपके हर एक निर्णय, हर एक फैसले पर आपको कामयाबी हासिल होगी। मां भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी भी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। दोस्त इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, इस वीडियो को लेकर आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें, जिसके साथ है बाबा बजरंगबली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम हमेशा शुद्ध ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है। हम मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए